डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन, इसमें कोई आपको टर्म नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन इसमें इरेगुलर मेंसेस नहीं है और हर्सुटिज्म और एक्नी नहीं है। तो आप देखिए, अगर आप PCOS को ट्रीट नहीं कर रहे तो आपके बॉडी में इतने ज़्यादा डिजीजेज ऑलरेडी डिवेलप होंगे, ओबेसिटी, रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे। अब आपने जो आपका क्लाइंट है या पेशेंट है उसको आपने ये बताना है कि देखो, PCOS अगर एक दफ़ा ट्रीट हो गया तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा नहीं होगा। कैसे हैं आप लोग? मुझसे डरना नहीं है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो सबसे हॉट टॉपिक है आजकल। तो जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो आप जिस तरह मैं इधर खड़ी हूँ, आप बैठ के कहीं भी टॉक दे सकते हैं। तो विल मेक इट वेरी सिंपल, लेकिन आपने सोना नहीं है। मैंने क्वेश्चंस बहुत पूछने, क्योंकि जो ये था ना, एक आदत थी कि एक आता है पढ़ के और बाकी आधे सोए होते आते, इट वोंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, जो जो आंसर करेगा उसको चॉकलेट्स मिलेंगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, आप में से कोई बता सकता है कि सबसे पहले कब इसकी इन्वेंशन हुई थी? लाइक कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के बाल ज़्यादा हैं, किसी के बाल छोटे हैं, तो सिंड्रोम कहते हैं किसको हैं? वेरी गुड, कौन है ये? वेरी गुड, एक्सीलेंट, हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। सिंड्रोम कहते हैं जब बहुत सी चीज़ें एक ही डिजीज़ में हों। तो इसको ये नहीं कहते कि जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बाल बहुत होते हैं, मोटा होता है, उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, नॉट लाइक दैट। यू नीड यू नो लाइक लॉन्ग सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब PCOS। तो वो क्या करते हैं कि वो सारे सिम्टम्स को मिला के एक सिंड्रोम का नाम देते हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और भी आपको काफ़ी जो है इस तरह के सिंड्रोम्स मिलते हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है ये कब से इसके मुतालिक स्टडीज़ हो रही हैं? आपने मुझे कहना है आप जाएं जी, हम खुद ही पढ़ लेते हैं। ओके, इट वॉज लॉन्ग बैक इन 1935। ये दो रिसर्चर्स थे, एक स्टीन थे, एक लीवनथॉल थे। उन्होंने डिस्कवर्ड किया, ये बेसिकली दे वर गायनेकोलॉजिस्ट, सो व्हाट दे डिस्कवर्ड वाज दैट लेडीज हु हैव नो पीरियड्स, प्लीज कैन समबडी टेल मी व्हाट इज एमेनोरिया। मैंने ना अभी एक सेकंड लेक्चर के लिए आना है इसके बाद जी। व्हाट इज इट डियर? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम पास्ट कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स। ओके, एक्सीलेंट। या तो ये कि 15 साल की एज पे पीरियड नहीं आया, ओके, या 3 कंसेक्यूटिव पीरियड्स नहीं आए आफ्टर रेगुलर पीरियड। तो उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि जो एमेनोरिक लेडीज़ होती है, अगर उनका अल्ट्रासाउंड करो तो दे हैव पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक का मतलब है कि बहुत से पानी की थैलियाँ जो हैं वो उनकी सिस्ट में होती हैं और दोनों में होती हैं, ठीक है जी। और फिर उसके साथ उन्होंने देखा कि जो औरतें जिनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उनमें ओबेसिटी होती है, उनमें एक्सेसिव बाल होते हैं, उनमें एक्नी होती है और एमेनोरिया होता है। हम क्या इसके जो पॉलीसिस्टिक के मुतालिक हम क्या क्या आपको बताना चाहेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करा दिए, उसके बाद इंसिडेंस कितना प्रेवलेंट है ये पाकिस्तान में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशंस एंड लास्टली ट्रीटमेंट। अच्छा जी, ये जैसे हमने कहा कि ये मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, तो इट इज़ अ मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, इसमें क्या होता है, क्रॉनिक एनोवुलेशन होती है। एनोवुलेशन जब हर मंथ में आपके जो मिड साइकिल में छोटे छोटे पहले एग्स शुरू से बनने शुरू होते हैं, फिर एक ही एग जो है वो सिलेक्टेड होता है, इट व्हेन इट रीचेस द साइज ऑफ 20 मिलीमीटर्स, वो फिर बर्स्ट हो जाता है, दैट इज़ ओवुलेशन, बिकॉज ऑफ दैट प्रेगनेंसी हैपन्स। और अगर क्रॉनिक एनोवुलेशन है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, ओबेसिटी होगी और हर्सुटिज्म होगा। ऑल्दो मोस्ट कॉमन,
बट द लीस्ट अंडरस्टूड. इसकी जो रीजंस हैं वो कोई इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन है. डिस्कवरी हमने कह दी 1935 में थी विद बाय स्टीन लिवेंथल. ओवरऑल इन द वर्ल्ड द इंसिडेंस इज 4-6%, बट इन पाकिस्तान इमेजिन द इंसिडेंस इज 17-52%. Highest rate is in the Gulf area and the Indian subcontinent. And the lowest rate is where? Although you don't belong to this field, but you should know, we have to do listen to PCOS today. You should research it before coming. तो जो बताएगा उसको चार चॉकलेट. नहीं, अच्छा जी. लोएस्ट इंसिडेंस जो है वो स्वीडन में है और चेकोस्लोवाकिया में है. आपके थोड़ा सा माइंड में आता है कि क्यों ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस इतना हाई है? नहीं बेटे, हाइजीन नहीं है. इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेस एंड इनएक्टिविटी. ओके, इनएक्टिविटी जो है वो ओबेसिटी को ओबीस होगा वो लड़का है या लड़की है, हूएवर इट इज़, और फिर उसकी वजह से सारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं. जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? या ऑल द जंक फूड फ्रॉम टुडे यू विल थ्रो इवन इफ समबडी आस्क यू विल से नो आई डोंट वांट टू हैव इट. ओके, तो ये जंक फूड जो भी स्टीरॉइड्स इंड्यूस्ड हैं, पोल्ट्री और आर्टिफिशियल फूड जिसमें के पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये सारे जो हैं उसकी रीज़न. मैं आपको सारा एक्सप्लेन इंशाल्लाह आई विल डू इट. अब आप ये देखें कि इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इन पाकिस्तान इज 57% इन द मेल्स. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इन सम ऑफ द एरियाज वी आर बेटर देन दम. ओके, और 42% इन पाकिस्तान. ओवरऑल जो है वो हमारा इंसिडेंस जो है वो आपको बताया 52% तक चला जाता है. और अगर आपके मदर में है या आंटी में है और आपको पीसीओएस हो गया, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, तो दैट इज़ अबाउट 20-40%. ठीक है जी. एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनोवुलेशन. पैथोलॉजी क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस resulting into hyperinsulinemia. Okay, initiate the PCOS in 50-70% of the cases. Cause of both of them is not known. लेकिन जो culprit है वो obesity है. Obesity में जो hormones हैं, leptin है, adiponectin है, cytokinins हैं, ये इंसुलिन सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर करते हैं. उसकी वजह से पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, फिर हाइपर इंसुलिनीमिया होगा. एंड दीज ऑल ऑफ दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बॉडी फैट एंड इनएक्टिविटी. अभी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है. इंसुलिन जो है वो की हार्मोन है. जब आप कुछ खाते हैं तो आपके बॉडी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है. ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होता है वो तो तब तक आपके काम का नहीं है जब तक कि आपके पैनक्रियाज में से इंसुलिन नहीं आएगी. इंसुलिन हर सेल को वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं वो वहाँ एक्ट करती है और आपका ग्लूकोज जो है बेसिकली वो मसल्स में और वो जो है फैट में और लिवर में जाता है. ठीक है जी. तो इस तरह से आपकी इंसुलिन जो है वो आपके काम आती है. इसमें जो है क्या होता है कि इंसुलिन तो होती है, बहुत इंसुलिन होती है. ठीक है जी. अब वो एक ही जगह पे अगर आप नॉक करते जाएंगे तो एंड पे आपका दरवाज़ा नहीं खुलता. वो अंदर से कहते हैं ये क्या भाई, बार बार हमें डिस्टर्ब कर रही है या कर रहा है. तो दिस इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब बाद में इतनी ज़्यादा इंसुलिन हो जाती है कि वो जो है हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है. ओके, अब इसको आप लाइफ के साथ रिलेट करें कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो एक्सेस होना इज़ नॉट गुड. जो भी आपके पास है कनात करके, अल्हम्दुलिल्लाह करके, और यू शुड रादर प्रेज इट कि मैं इतने में ठीक हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतने में रखा है ना. तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं उसको रिलेट करिए लाइफ के साथ. ठीक है जी. ओके, और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है और हाइपर इंसुलिनीमिया है ये विसरल फैट से आता है. विसरल फैट सबसे ज़्यादा स्टबर्न और ढीठ फैट होती है जो आपके पेट पे होती है, उसको विसरल फैट कहते हैं. ओके, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि
क्रॉनिक एनोबुलेशन अगर हो रही है, बहुत अरसे तक जो है आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, तो क्या होगा? होता इस वजह से है कि जो हॉर्मोन्स पीरियड्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसको हम के ल्यूटिनाइजिंग कहते हैं, हॉर्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन होते हैं, ये फ्लक्चुएट करते हैं। शुरू में थोड़े से होते हैं, FSH ज़्यादा है, फिर LH ज़्यादा हो गया, ओवुलेशन होगी, फिर वो स्टडी हो जाते हैं। इसमें ये नहीं होता, और प्रोजेस्टेरोन होता ही नहीं है। प्रोजेस्टेरोन सेकेंड हाफ में बनता है, जबकि एग रिलीज हो गया और जो पीछे रह गया कॉर्पस ल्यूटियम, उसमें से आपके प्रोजेस्टेरोन आता है, ठीक है? तो उसकी वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। अच्छा, एक और हॉर्मोन है जिसको कहते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन जो होता है वो मेल हॉर्मोन है, ठीक है जी, लेकिन ये फीमेल में भी चाहिए होता है, तो ज़्यादा मेल्स में होता है, थोड़ा बहुत फीमेल में होता है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थीका सेल्स को। थीका सेल्स, आपको बताया, जो ओवुलेशन के बाद ओवरी में सेल रह जाते हैं ओवुलेटरी पॉइंट पे, वो थीका सेल्स हैं। उसमें से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन है फ्रॉम लिवर, क्या होता है, जब HL स्टिमुलेट किया तो आपके लिवर में से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन आएगा। तो ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, इसने इसके साथ बाइंड करना है तो ये एक्ट करेगा, अगर नहीं बाइंड कर रहा तो नहीं एक्ट करेगा। जब फ्री टेस्टोस्टेरोन होगा तो बाल ज़्यादा होंगे, हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म उसको कहते हैं जहाँ पे आपको बाल नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोगों के फेस पे बहुत बाल होते हैं, उसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो ओवरीज होती हैं PCOS में, इसमें बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, हमें एक फॉलिकल चाहिए इन छोटों में से जो बड़ा हो, लेकिन वो बड़ा नहीं होता। नॉर्मली जो एक्सेसिव फॉलिकल्स हैं, उनमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं अपोप्टोसिस, उसका मतलब है वो मरना शुरू हो जाते हैं, एक रह जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि एप्टोसिस जो है वो नहीं होती, और इस वजह से हमारे सेल्स मल्टीपल जो फॉलिकल्स हैं वो होंगे, उनमें से एंड्रोजन जो है वो रिलीज़ होगा, और फिर आगे बात करते हैं कि एंड्रोजन क्या है। तो प्राइमरली अभी हमने दो हॉर्मोन्स की बात की है, एक हमने टेस्टोस्टेरोन की बात की है, एक हमने एंड्रोजन की बात की है, ओके जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्लाइड है, इफ़ यू पीपल कैन मेक अ पिक्चर ऑफ इट और वट एवर यू वॉन्ट, कि क्यों हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में आजकल इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इसके एक तो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो आपको आधे से ज़्यादा मिल गए हैं कि ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर मेंसेस हैं, हाई लिपिड लेवल्स हैं, हर्सुटिज्म है, एक्नी है, एंड्रोजेनिक एलोपीशिया है। एंड्रोजेनिक एलोपीशिया, समबडी नोज व्हाट इज इट? जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है ना, यहाँ से बाल जो हैं वो औरतों के अमूमन गिरना शुरू हो जाता है, जैसे आदमियों का होता है, इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपीशिया कहते हैं। और ग्लूकोस इनटॉलरेंस, एकैंथोसिस नाइग्रेकन्स, आई विल शो यू द पिक्चर इन अ मिनट। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अच्छा, ये सबसे पहले जो था 1990 में, इन्होंने ये कहा कि ये दो चीज़ें अगर होंगी तो वो औरत जो है उसको हम PCOS लेबल करेंगे। उसमें क्या है, ओलिगोमेनोरिया है और ओवुलेशन है। ओलिगोमेनोरिया कोई बताएगा क्या होता है? ओके, ये जब आपका साइकिल 35 डेज से ज़्यादा का हो जाता है तो वो ओलिगोमेनोरिया है, और ओवुलेशन का मैंने आपको बता दिया है, ओवुलेशन उसके साथ हाइपर एंड्रोजिनिज्म और हर्सुटिज्म और एंड्रोजिनीमिया, ये सारी जो टर्म्स हैं ये आगे आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अब आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका के BMI जो है मोर देन 30 है, BMI तो आपको पता होगा ना, क्या होती है इसकी डिवीजन, इन मीटर स्क्वायर, ओके, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो परफेक्टली जो नॉर्मल है, लेस देन 21, माशाल्लाह आप लोग सारे उसी में फिट होते हैं, आई एम सो हैप्पी।
आगे जो सेकंड है वो ओवरवेट है मोर देन 25 और मोर देन 30 जो है वो ओबेसिटी में आ जाता है। ठीक है जी, 87 जो परसेंट फीमेल्स होंगे उसमें ओलिगोमेनोरिया होगा कि पीरियड आपका 35 डेज के ज़्यादा साइकिल का होगा। एमेनोरिया जैसे उन्होंने पहले आपको बता दिया, और फिर 26 जो है एमेनोरिया पहले होगा और फॉलोड बाय हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड्स विच कैन बी पेनफुल और नॉट पेनफुल। ठीक है जी, प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी 20% है। ओके, आपने देखा आजकल कितनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी है, तो वो किससे आप रिलेट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, इनअप्रोप्रिएट डाइट। प्रेगनेंसी लॉस 20-30% है, और हाइपर एंड्रोजेनिज्म की वजह से हर्सुटिज्म, एक्नी, एकेंथोस, नाइग्रेकेंस। ओके, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको बहुत कॉमन आप देखेंगे, ये है हाइपर एंड्रोजेनिज्म विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एकेंथोसिस नाइग्रेकेंस। आप अक्सर घर में जाके देखिए, आपके भाई या चचा या दादा या हूएवर द मेल मोस्टली, उनकी गर्दन पे ना बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होती है, और छोटे छोटे से वो जिसको आप मुखे कहते हैं, हम पैप्यूल्स नॉर्मली इनको कहते हैं ना, तो ये अगर है तो बी केयरफुल, जस्ट चेक देयर ब्लड शुगर्स, चेक देयर ब्लड प्रेशर, चेक देयर लिपिड प्रोफाइल। अगर फीमेल है तो उसको आप पूछ लें कि भाई आपको पीरियड रेगुलर आते हैं कि नहीं आते। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस वेयर यू कैन पिक अप द डिजीज़ वेरी अर्ली, इवन नॉट बीइंग अ डॉक्टर और बिलोंगिंग टू द मेडिकल फील्ड। अच्छा, अब कॉजेज जो हैं वो ओलिगोमेनोरिया और एनोवुलेशन की, दिस शुड बी ऑन योर हैंड व्हेन यू लीव द रूम। थायराइड डिसऑर्डर नंबर वन है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके बाद हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है, वो जो आपको अक्सर लोग बताते हैं कि हमारी छाती में से दूध आ रहा है, हम फीड नहीं कर रहे, तो हमारी जो ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क आ रहा है, दैट इज़ प्रोलैक्टिनेमिया। ठीक है जी, और उसके बाद एंड्रोजेनिज्म अभी आ गया, ये एंड्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन एड्रिनल ट्यूमर्स हैं, और इनको सारों को पहले आपने रूल आउट करना है, फिर आप कहेंगे कि हाँ इस औरत को PCOS है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रिटी इजी कि हर एक में से आप एक एक जो कॉमन आपको लग रहा है, नेवर आस्क टू मैनी टेस्ट बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव और क्लाइंट्स नहीं करवाते। तो आप इसमें से FSH ले लें, LH, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। TSH आपका थायराइड रिलीव कर देगा, टोटल टेस्टोस्टेरोन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोज करना, प्रोलैक्टिन, और उसके बाद 2 hours ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 2 hours ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कभी किसी ने करवाया? अच्छा, वो क्या होता है, ग्लूकोस आपको पीने को देते हैं 50 grams, और उसके बाद 2 घंटे के बाद वो ब्लड शुगर चेक करते हैं, अगर लेस देन 140 milligrams है यू आर नॉर्मल, अगर 140 to 190 है तो इम्पेयर्ड है, और अगर 200 से ज़्यादा है तो देन यू आर डायबिटिक। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप जब आपको यहाँ से जाएंगे तो खुद ही आती होंगी। ओके जी, नहीं आप अगर नहीं पी रहे ना तो फिर आपने सिर्फ 2 hours पोस्ट प्रेंडियल कराना। ठीक है जी, ये इम्पेयर्ड GGT है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ये इम्पेयर्ड GGT है, इसको आपने ये, और या आप दो खाने के 2 घंटे के बाद आप टेस्ट करवा लें, नहीं तो दिस इज 2 hours ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सो दिस इज डिफरेंट। ओके देन दैट, ओके दिस इज हाउ द PCOS लेडी लुक लाइक। ठीक है जी, उसकी जो ये है हर्सुटिज्म होगा, बाल फेस पे होंगे, उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी होगी, और उसकी ओवरीज इस तरह की होगी, एंड दिस इज नॉर्मल लेडी। अगर आप अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो दे आर लाइक यू नो मल्टीपल फॉलिकल्स अराउंड द पेरीफ्री ऑफ द ओवरी इस तरह से। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे आपने नेकलेस एक पहना होता है वो उस तरह की इसकी अपेयरेंस आती है। ये जो है इससे ओवरीज में, जैसे ये मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत ज़्यादा फॉलिकल होते हैं, नॉर्मली 6 होते हैं, इसमें तकरीबन मोर देन 12, और ओवरी एज सच लार्ज साइज़ होती है। ठीक है जी,
और ये अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करते हैं कि PCOS के अलावा हमें पता चल जाए कि कोई और डिजीज़ तो नहीं है, जैसे ओवेरियन ट्यूमर या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। ओके, ये अभी आपको मैं इजी करके बता देती हूँ कि गोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। पहले, सबसे पहले जो आता है टू ट्रीट द वुमेन विद मेंस्ुरल डिसऑर्डर, सेकंड है हर्सुटिज्म एंड एक्नी, थर्ड इज़ इनफर्टिलिटी। ठीक है जी, ओके। मैनेजमेंट आपने जिस डिजीज़ की भी करनी है ना, टेक अ पॉइंट होम, स्टार्ट विद नॉन फार्माकोलॉजिकल कॉजेज। आप जहाँ भी बाहर जाएंगे किसी चीज़ को आप ले लीजिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वॉट एवर इट इज़, आपको कभी भी मेडिसिन फर्स्ट टाइम नहीं दी जाएगी। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो यू हैव टू काउंसल द क्लाइंट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, उनके पास, उनके साथ आपको जान मारनी पड़ती है, फिर आपने मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ आप देख लें, एक दफ़ा क्लाइंट गया तो उसके पास एक बैग मेडिसिन का होता है, तो ऐसे नहीं करना। विच एवर फील्ड ऑफ लाइफ यू विल प्रैक्टिस, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द पेशेंट, काउंसलिंग द पेशेंट। ओके, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल आ गया, फिर फार्माकोलॉजिकल आ गया, और फिर सर्जिकल आ गया। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल इज़ वेरी ईजी। दिस ओनली यू हैव टू टेक द पेशेंट इन टू योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट फोकस ऑन 5% ऑफ प्रीवियस वेट लॉस अलोन, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अब अगर सिर्फ एक आपने उसको 5% वेट लॉस अगर आप उसका करवा देंगी ना, तो उससे क्या होगा, उसके जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, उसके हार्मोन जो डिस्टर्ब हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और ये जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन फ्रॉम द लिवर है ये भी कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगी, और इंसुलिन लेवल जो है वो भी कम हो जाती है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में फीमेल स्मोकिंग इज़ वेरी लेस, सो वी आर प्रिविलेज्ड। लेकिन अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो स्मोकिंग सिर्फ बंद करने से फ्री टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो कम होगा, और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये देखें, आपने सिर्फ इधर वेट लॉस पे काम किया है, ठीक है जी, तो उसकी वजह से आपको इतने बेनिफिट्स मिल गए। अब ये एविडेंस बेस्ड जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि अगर BMI मोर देन 25 है तो योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट टारगेटिंग विल बी वेट लॉस, ठीक है जी, टू उससे नीचे आपने लाना है, ठीक है जी। और अगर वो 25 है ही 25, तो आपने उसको करना है कि यू शुड इंक्लूड बोथ रिड्यूस डाइट्री कैलोरीज, ओके, इनटेक एंड एक्सरसाइज, एंड शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी फॉर द वुमेन विद PCOS। PCOS 20% उन लोगों, औरतों में भी होता है जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता, तो इट्स नॉट दैट ओनली ओवर वेट पीपल दे हैव PCOS। ओके, अब उन औरतों की तरफ आगे, बहुत आपको क्वेश्चनिंग होती होगी कि जी मुझे पीरियड नहीं आए ना, वेरी कॉमन क्वेश्चन। उनके आपने लिए क्या करना है, पहले तो आपने उसको 5% वेट रिडक्शन पे लाए, उसके बाद आप उनको कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं। इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, इसके साथ आप मल्टीपल जो है वो कम्बिनेशन कर सकते हैं, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक नई उन्होंने स्ट्रेटजी निकाली है कि जो 4th जनरेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसमें एक एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होता है। अगर आप ये दे रहे हैं तो उसके वजह से एक्नी और हर्सुटिज्म फर्दर रिड्यूस होगा। एक तो हो गया जो आपने वेट रिडक्शन से करवाया, एक इससे हो गया, ठीक है जी, और ये वाटर रिटेंशन भी कम करता है और आपका लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है जी। अगर किसी औरत को मेंसेस नहीं आ रहे और आप कोई मेडिसिन देना चाह रहे हैं ताकि उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाए और फिर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव देना है, तो ये आपने सुना होगा प्राइमलूटेन का, तो बहुत सुना है ना कि उसको पीरियड नहीं आए तो प्राइमलूटेन दे दो, ठीक है, सो इट इज़ दैट। ओके, जो हर्सुट जो एक्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह नोबडी हैज़ एक्नी इन दिस क्लास, किसी के भी नहीं, यू हैव, ओके। तो आपका क्या है, अगर एक्नी है तो आपने उसको 1% क्लिंडामाइसिन, ओके, और 2% एरिथ्रोमाइसिन जेल इफ़ यू हैव पोस्ट्यूल्स। लेकिन इसकी मेन रीज़न क्या है, ऑयली स्किन है,
तो अगेन यू हैव टू गो ऑन द डाइट फर्स्ट विद द सन ब्लॉक एंड देन यू विल हैव लाइक 50% ऑफ द रिडक्शन इन योर सिम्टम्स टू गो फॉर द मेडिकेशन. ओके जी. और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर एक ये मेडिसिन है जिसको हम रेटिनॉइड्स कहते हैं. लेकिन रेटिनॉइड आप जिसमें भी स्टार्ट करें, इफ़ द लेडी इज़ मैरिड, यू हैव टू टेल हर दैट यू शुड नॉट बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग टेकिंग द ट्रीटमेंट और फॉर 6 months पोस्ट ट्रीटमेंट. एंड शी शुड हैव टू कम्बाइंड मेथड्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. हर्सुटिज़म अगर बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ आप एंटी एंड्रोजन्स जो हैं लाइक साइप्रोट्रिरोन, स्पायरोनोलैक्टोन, ये आप कम्बाइन कर सकते हैं. ओके. अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की. इनफर्टिलिटी जो है वो पाकिस्तान में 22% है. ठीक है जी. 4% है प्राइमरी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें क्लाइंट ने कभी भी कंसीव नहीं किया, दैट इज़ प्राइमरी. सेकेंडरी ये होता है कि उसकी एक दो अबॉर्शंस हुई या कुछ इस तरह से, तो दैट इज़ सेकेंडरी. इसमें से 20% जो है वो एट्रीब्यूटेड है टू PCOS. ठीक है जी. और ये BMI मैंने आपको बता दिया. अच्छा, अब इधर जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है वो दो तरीकों से होगी. अगर तो एनोवुलेशन है, एन ओवुलेशन यू डोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर. अगर आप मिड साइकिल में सर्वाइकल म्यूकस अपना चेक करेंगे तो दैट वुड बी वॉटरी और थोड़ा सा टेम्परेचर पॉइंट्स में इंक्रीज होता है, तो यू कैन डिटेक्ट इट एट होम. तो ये अगर इस तरह का है और फॉलिकल्स नहीं बन रहे तो आपने क्लोमिफीन और मेटफॉर्मिन को कम्बाइन करना, ये भी हम आगे पढ़ते. और अगर जो है इरेगुलर ब्लीडिंग है तो आपने प्रोजेस्टीन विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो हमने लास्ट बात की है ना कि प्रोजेस्टेरोन, ये ओके जी, 4th generation ये यास है, मिलती है हर जगह पे, यास्मीन है. ओके. इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट है नंबर 1 वो है क्लोमिफीन. क्लोमिड हर एक को पता होगा, नहीं? अच्छा जी, क्लोमिड है 50 mg, ये हम इसको स्टार्ट करते हैं. अगर उसको पीरियड नहीं आ रहे तो आपने प्राइमलुटेन देनी है. सेकेंड डे से आपने ये क्लोमिड शुरू करनी है फॉर 5 days. प्रेगनेंसी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुई तो यू गो फॉर 100, देन यू गो फॉर 150. अगर आपने 150 पे पहुंच गए हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, देन यू हैव टू कम्बाइन द थेरेपी. ठीक है, उसके साथ कुछ और मिलाना पड़ेगा. और ये मैंने आपको बताया. ओके. सेकेंड ड्रग जो है वो मेटफॉर्मिन है. ठीक है जी. ये नॉर्मली लोग लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, बट दिस इज़ It treats the root cause. ठीक है जी. तो ये एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक दोनों फंक्शंस पे काम करता है, क्योंकि हमने कहा ना कि वो फैट है, उसमें इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को काम नहीं करने दे रही, तो इसलिए हमने मेटफॉर्मिन जो है वो स्टार्ट करनी है. ठीक है जी. और ये क्या करती है, ये लिवर में ग्लूकोज बनने नहीं देती और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होने देती, ये इसका फंक्शन है. ठीक है जी. अब अगर हम बात करें कि क्लोमिफीन ज़्यादा सुपीरियर है या मेटफॉर्मिन, क्लोमिफीन में प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा है, बट द ओनली थिंग वी आर अफ्रेड ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. इसमें 2 बच्चे 3 बच्चे इस तरह से, तो उससे फिर हम इसको थोड़ा सा डर लगता है. ओके जी. मेटफॉर्मिन जो है उसको आप कंबाइन करिए क्लोमिफीन सिट्रेट के साथ टू इम्प्रूव फर्टिलिटी, और उसके बाद आप इसको अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू इम्प्रूव ओवुलेशन रेट एंड प्रेगनेंसी रेट्स इन वुमेन विद PCOS. ठीक है. आपने 3 महीने क्लोमिन ले ली, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब उसके साथ आप मेटफॉर्मिन कंबाइन कर दीजिए. मेटफॉर्मिन शुड बी टेकन विद द फूड और इन बिटवीन द फूड, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है, एंड दिस शी विल कॉन्टिन्यू इवन इफ़ शी इज़ प्रेगनेंट. ओके जी. अच्छा, लास्ट जो आगे ट्रीटमेंट वो है सर्जरी है. व्हेन रिपीटेड मेडिकल थेरेपी फेल्स, या आपने क्लोमिड दी और बहुत ज़्यादा फॉलिकल बन के, जिसको हम हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं, या विमेन जो है उसके बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, तो आप लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग करते हैं. ड्रिलिंग में क्या करते हैं, आप जो फॉलिकल छोटे छोटे हैं वो 4 तक उसको आप रप्चर कर जाते हैं. वो जब रप्चर करेंगे तो LH लो हो जाएगा और वो जो है उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में
मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, ये जो है ये ड्रिलिंग कर रहे हैं। और एडवांटेज ऑफ सर्जरीज ये सर्जरी ये है कि इसमें फॉलो अप नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने क्लोमिड दिया तो उसके बाद आपने डे 2 पे अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर आपने डे 14 पे उसका प्रोजेस्टेरोन कराना है, फिर आपने उसको फॉलो अप करना। इसमें कुछ भी नहीं, वन टाइम ट्रीटमेंट है। और इसमें और भी जो पैथोलॉजीज हैं जैसे ट्यूबल एडिशंस हैं या एंडोमेट्रियोसिस है, वो सारा इसके साथ हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इट रिक्वायर्स एनेस्थीसिया, और दूसरा ये कि एडिशंस बन सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा, अभी एक ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट वो है टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लीज़ इसको भी देख लें आप। एक तो PCOS है और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सारे जो पैरामीटर्स हैं सेम होंगे, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन। इसमें कोई आपको टर्म नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें इरेगुलर मेंसेस नहीं है और हर्सुटिज्म और एक्नी नहीं है। ठीक है जी, तो आप देखें अगर आप PCOS को ट्रीट नहीं कर रहे तो आपके बॉडी में इतने ज़्यादा डिजीजेज ऑलरेडी डेवलप होंगे। ठीक है, लाइक ओबेसिटी, रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे। ठीक है, ओके। अब आपने जो आपका क्लाइंट है या पेशेंट है उसने आपको उसको आपने ये बताना है कि देखो PCOS अगर एक दफ़ा ट्रीट हो गया तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा नहीं होगा। यू हैव टू टेल देम दैट इट कैन रीकर, ओके। एंड एनी फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज़ गिवन विल गिव टेम्पररी रिलीव एंड यू इट हैज़ टू बी रिपीटेड। ठीक है, और इन उसको आपने बताना है कि जी ये ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ और एंडोमेट्रियल कैंसर कैन डिवेलप, ओके। सो इट्स नॉट इंटायरली प्रिवेंटेबल बट treatable at the earliest, and obesity in the adolescent should be avoided and corrected, and lifestyle changes are recommended. That's it. चले जी, अभी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। बेटे उसमें आपको मैंने बताया ना कि अगर आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, खुद ही आपने डायग्नोज करना, या तो ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, डे 10 से आपने स्टार्ट करते हैं, एक फॉलिकल होगा जो 20 मिलीमीटर्स का होगा। ठीक है, दूसरे दिन तीसरे दिन आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो नहीं होगा, वो बर्स्ट कर गया है। ठीक है जी, तो या फिर घर में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत पतला थिनी रनी सा होता है, और या जो बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं ना, सुबह उठते ही कहते हैं अपना टेम्परेचर चेक करो, वो थोड़े से पॉइंट्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिटेक्ट द ओवुलेशन। नो, ओवुलेशन जो नहीं, क्रैम्प से ये रिलेटेड नहीं है, वो हमारा मिसकंसेप्शन है कि वो एग रिलीज हो रहा है तो पेन होगी। नो, बिगिनिंग में हो सकती है लेकिन ओवुलेशन के टाइम नहीं। जी बेटे, इसका ट्रीटमेंट सीड साइक्लिंग भी होता है ना? क्या होता है जी? जो न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं सीड साइक्लिंग करते हैं, जैसे मतलब वो देखें, आपने जिस भी स्टेज में आपने ट्रीटमेंट करनी है आपने उनको बताना है कि पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, जो सारा खाना आप भाई से पका खाते, पकौड़े, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, वट एवर इट इज़। ठीक है जी, और जो सीड्स हैं सारे वो जो है पॉली सेचुरेटेड फूड्स हैं, और दे हैव हाई क्वालिटी ऑफ गुड फैट्स। ठीक है, तो ये वैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल। स्ट्रेस देखें, जब भी आपकी स्ट्रेस होगी ना, एक हार्मोन है जस्ट स्टडी इट, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जैसे रिलीज हुआ आपका सारा सिस्टम उल्टा हो गया। तो इसलिए जो स्ट्रेस है ना, ये असल में आप जो अगर डिजीज़ पढ़ें उसको कुरान से ज़रूर रिलेट करें। सब्र और शुक्र काम है ना, तो अगर इसकी, क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च हो रही है जो भी कुरान में लिखा हुआ है, और जो भी आप लेक्चर्स देते हैं आपके 25% नंबर होते हैं उस लेक्चर के, इफ़ यू हैव रिलेटेड इट टू कुरान। ठीक है,
ठीक है। तो अल्लाह ऐसे नहीं कह रहे कि सब्र और शुक्र करो, क्योंकि जब स्ट्रेस होगी आपके सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो, इवन प्रेगनेंसी नहीं होती तो आप क्लाइंट्स को कहते हैं कि देखो मैं आपकी जो मुश्किल है समझती हूँ, बहुत मुश्किल काम है सब्र शुक्र करना, लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। इवन इन योर स्टडीज़ इफ़ यू विल गेट स्ट्रेस यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, जो पढ़ा है वो उल्टा आएगा। तो ये इसका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, किसी में भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि वो बॉट कर जाएगी। इफ़ शी इज़ नॉर्मल या देन नथिंग कैन हैपन, बट दिस इज द वर्स्ट पनिशमेंट विच यू कैन गिव टू योर सेल्फ। अगर साल में एक दफ़ा इस तरह हो जाए कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाए तो इज इट नॉर्मल? इट्स वेरी नॉर्मल। जब भी स्ट्रेस होगी एग्ज़ाम्स के इर्द गिर्द आपके पीरियड जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, शादी से पहले हो जाते हैं, घर में कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह गमी आ गई है फिर भी इरेगुलर हो जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द इवेंट हैपनिंग इन द फैमिली। और बाकी भी सिम्टम्स ऐसे नहीं है, मेरे सिर्फ हाइपरपिगमेंटेशन है इस जगह पे, तो ये है इस चीज में आता है? नहीं, हाइपरपिगमेंटेशन बेटे नहीं आता इसमें, एक्नी आ रही है। नहीं, एक्नी नहीं है जी, हर्सुटिज्म आ रहा है, फ्रंटल बाल्डनेस आ रही है। ओके, दीज आर द साइंस ऑफ पीसीओएस या एंड्रोजन की जो ज्यादती है उसके सिम्टम्स आएंगे। मैंने ना लास्ट टाइम फेब्रुअरी में मेरे साथ हुआ था कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, तो वो फर्स्ट टाइम हुआ था तो अम्मा ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो टेस्ट वगैरह कराए मैंने, तो उन्होंने ना मुझे कहा था कि आपकी राइट साइड वाली जो ओवरी है ना वो उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो नहीं, उसमें फॉलिकल्स थे बहुत ज़्यादा, 6 से ज़्यादा फॉलिकल नहीं होने चाहिए इन अ नॉर्मल ओवरी। आप मेरा नंबर उधर लिखा हुआ है, जस्ट सेंड मी द अल्ट्रासाउंड। ओके, एक इवेंट पे आपने कभी मामा को नहीं बताना और कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करनी, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। एक दो दफ़ा अगर हो गया तो डजेंट मैटर एट ऑल, ये नहीं कि आपने इन्वेस्टिगेशन जो है करनी शुरू कर देनी। ठीक, नहीं आपका ये विदाउट पीसीओएस आप बात कर रहे हैं? अच्छा, वो क्या होता है कि आपका एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये पीरियड से 2 दिन पहले बनता है, कई फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। जब ये जितना ज़्यादा होगा उतना पेनफुल पीरियड्स होंगे, तो उसमें आपने ये करना है कि अगर आप ब्रूफेन या कैटाफ्लैम जिस जो मेडिसिन हैं वो आपने पीरियड से 2 दिन पहले स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये पहले बनता है। जब अगर आप पीरियड के दौरान ले रही हैं तो फिर नहीं, ठीक है। तो उसकी और भी कॉजेज हैं बट दैट इज़ लेटर ऑन, लेकिन बेसिकली आप ये कर सकती हैं तो ट्रीट द पेनफुल पेन। वॉमिटिंग होती है, हाँ जी, लेकिन रेगुलर पीरियड है ना आपके। अच्छा, आप इस दफ़ा जब पीरियड आएंगे डेट लिख लो। ओके, अगले मंथ आपने 2 दिन पहले कैटाफ्लैम आपको मिल जाएगी कहीं से भी 50 मिलीग्राम, 2 टैबलेट्स आफ्टर द फूड, जस्ट वंस अ डे। और ब्रूफिन जो है वो 400 आप 3 टाइम्स ले रहे हैं या 200, बट ऑल दीज मेडिकेशन यू शुड टेक आफ्टर द फूड, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगी जी। नहीं, वो अफेक्ट करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा कि आपको इससे 100% रिलीव होगा। हाँ जी, ठीक है बेटे, 5 to 6 days इज़ वेरी नॉर्मल। ओके, ये 35 days से अगर ऊपर साइकिल जा रहा है तो देन यू इवन डोंट वरी अबाउट इट अनलेस यू आर मैरिड। ओके, तो ये 5-6 इधर या उधर डजंट मैटर। हाँ जी जी बेटे, कहाँ होती है जिधर? ये इनको बताया ना। हाँ जी, वही आपने पहले डेट लिखो, ये नहीं कि पीरियड स्टार्ट हो गए तो फिर आपने मेडिसिन जो है स्टार्ट की है, नहीं होगी। ओके, हाँ जी, और जी आपने जो बताया ना कि ये फर्स्ट ईयर तब ये केस हुआ था मेरे साथ, मतलब
नहीं, नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू वन शवारमा. ये तो जो रोज़ खाते हो ना तुम लोग, तीन तीन महीने तक. हाँ जी, उस पर अपने प्लीज़ पास लंच बॉक्सेस रखो, घर से लंच बना के लाओ और भूखे मर जाओ. लेकिन ये ना लेना, ना बर्गर, ना शवारमा, नथिंग व्हाट्सएवर. एक दिन पार्टी आपने रखनी है जब घर में सारी गैदरिंग हो रही है, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन बाकी दिनों में नहीं. ठीक है, देखो हॉस्टलाइट्स के हाथ तो नहीं बंधे हुए ना. आप जो है सैलड्स बनाइए, वो तो बना सकते हो बहुत इजी. चने बॉईल करो, अपने फ्रिज में रखो. ठीक है, हाँ जी. आप जो एक जो चिकन है वो भी आपने प्लीज़, दिस इज़ स्टीरॉयड इंड्यूस्ड चिकन. ठीक है, तो कोशिश करें कि आप मीट, लीन मीट जो होता है ना, वो आप बॉईल करके रख लें. आप आलू उसमें, आलू का एक हमारा इतना बुरा कॉन्सेप्ट है ना कि ये मोटा करता है. इट हैज़ द बेस्ट फाइबर, से बिल्कुल मोटा नहीं आपको करता. मोटा डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड कितनी है. ठीक है, तो अगर आपने एक तरफ सैलड रख लिया, एक दफ़ा आप एक तरफ चने रख लिए, थोड़े से आपने इधर वाइट राइस जिसमें 10 दफ़ा पानी आपने निकाला हुआ है, और इस साइड पे आपने दाल या जो भी प्रोटीन्स है आपकी, फ़िश है, ये चीज़ें रख लें. ठीक है, तो अपने बॉक्सेस ख़ुद बनाइए, बाहर से नहीं लेना है. वॉट एवर इट इज़, हॉस्टल और मून और वेयर एवर यू गो, डू इट बाई योर सेल्फ. जी, जी बेटे, प्राइम्लूटेन, पी आर आई एम ओ एल यू टी, प्राइम्लूट डैश और फिर एन, 5 मिलीग्राम. तो ये आपने 3 टाइम्स डेली लेनी होती है फॉर 7 डेज. जब 7 डेज आप ले लेंगे तो तकरीबन 5 दिन के बाद आपको पीरियड आ जाएंगे. कैटाफ्लैम, हाँ जी, सी ए टी ए एफ एल ए एम, या ब्रूफिन ले लें. कैटाफ्लैम 50 मिलीग्राम होती है, वो आपने 2 लेनी है, या सुबह शाम या 2 इकट्ठी आफ्टर अ मील. ब्रूफिन जो है वो आपके वेट के मुताबिक 200 इज़ मोर देन इनफ, लेकिन वो मिलती नहीं है मार्केट में ना, तो वो आप 400 ले लें ट्वाइस अ डे. बट द थिंग इज़ दैट स्टार्ट बिफोर योर पीरियड्स. ठीक है,